हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इनकट वीडियो ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 30 करेंगे, जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस डिटेक्टर विथ बजर एंड एलईडी। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस डिटेक्ट करेंगे और उसमें अलार्म सिस्टम भी अटैच करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए अलार्म डिफरेंट तरह का अलार्म और सिग्नलिंग सिस्टम उसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए, SC-SR04, जो कि आपके इनकार्ट के किट में दिया गया है। दूसरा चाहिए हमें एक बजर चाहिए, मतलब बजर मतलब पीजो साउंडर, जो हम प्रोजेक्ट नंबर 11-12 में यूज़ कर रहे थे। उसके बाद चाहिए हमें दो ग्रीन LED, दो येलो LED और दो रेड LED। और इन 6 LEDs के लिए आप करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, यहाँ पे 330 ओम दिया हुआ है, आप 85 ओम से लेकर 200 ओम के बीच में कोई भी रेसिस्टर यूज कर सकते हैं। तो आप 6, इसमें 7 दिया हुआ है, इसमें एक बजर के लिए भी यूज़ किया गया है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ता है हमें यूज़ करने का। तो आप 6 करंट लिमिटिंग रेसिस्टर ये निकाल लीजिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स का हमें ज़रूरत पड़ेगा। सर चलिए सर्किट को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट है। तो सर्किट को समझने के लिए आपको इस सर्किट को 3 पार्ट में समझना होगा। सबसे पहला तो हमारा हो गया ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का पार्ट। इस पार्ट का जो सर्किट होगा वो सेम होगा जो हमने अभी तक मतलब अभी तक के अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्शन दिया था। जो हमारा VCC है वो 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, जो ट्रिगर है वो इसमें कनेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कनेक्ट होता है पिन नंबर 7 से, और जो हमारा इको है वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 6 से। एकदम क्लियर आपके स्क्रीन पे है, आप चाहे तो इसका स्क्रीन पे देख के ही कर सकते हैं कनेक्शन। दूसरा पार्ट है हमारे इस पीजो साउंडर का। पीजो साउंडर को मैंने आपको बताया था कि पीजो साउंडर जो कनेक्शन होता है, अगर आपने प्रोजेक्ट नंबर 11-12 देखा होगा और किया होगा तो आपको पता होगा कि पीजो साउंडर को कनेक्ट करने के लिए हम 2A स्क्रू टर्मिनल का यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको कनेक्शन समझ में आएगा। क्योंकि इसमें डायरेक्टली पीजो साउंडर आप देख रहे हैं जो कि टॉप व्यू है एक्चुअली, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए 2-way स्क्रू टर्मिनल से कैसे कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप प्रोजेक्ट नंबर 11-12 देखने की भी जरूरत नहीं है, 11 तो ज़रूर देख लें, उससे आपको कनेक्शन समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2-way स्क्रू टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद जो उसका पॉजिटिव एंड है, जो पॉजिटिव एंड पड़ता है, उसको आप पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिन नंबर 3 में आके कनेक्ट हुआ है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब जो सेकंड टर्मिनल है, उसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। हमें रेसिस्टर की ज़रूरत नहीं है, ये रेसिस्टर की ज़रूरत नहीं है हमें। और उसके बाद आता है ये LEDs का कनेक्शन। आई होप जानते ही होंगे आप, हमने पहले 10 प्रोजेक्ट्स सिर्फ LEDs के बारे में किए हैं, तो LEDs का कनेक्शन सेम होगा जो अभी तक हम लोग ये करते आ रहे थे, कनेक्शन करते आ रहे थे प्रोजेक्ट नंबर 10 तक। फिर भी मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। 6 LEDs का एक बार में समराइज कर रहा हूँ। 6 LEDs के लॉन्गर लेग को आप कनेक्ट करेंगे पिन नंबर से। पिन नंबर स्टार्ट होगा इधर, रेड से स्टार्ट हो रहा है, 8 से लेकर 13 तक पिन नंबर है। ये पिन नंबर आप इसको अटैच कर दीजिए। और अगर और जो शॉर्टर लेग्स है सॉरी तो और जो शॉर्टर लेग्स है उसको आप रेसिस्टर के थ्रू यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेसिस्टर्स जो जितने भी है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में यहाँ कनेक्टेड है, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये नीचे जाकर यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है। उसी तरह जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये एक्चुअली पावर देने के लिए था, तो ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा कनेक्शन। और हाँ, अगर आप चाहें तो उसको येलो LEDs और रेड LEDs और ग्रीन LEDs का पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये डिफरेंस बस इतना ही आएगा कि अलग अलग डिस्टेंस के वैल्यूज़ के लिए अलग अलग LEDs में हो सकता है मेरा LED अलग ग्लो करे, आपका अलग ग्लो करे। तो आप उस लेवल पे आ चुके हैं 30 प्रोजेक्ट्स करने के बाद, आप उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको कोड समझना है, आपको आउटपुट देखना नहीं है, आपको कोड समझना है कि कोड को अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंट LEDs भी जलेगा तो आई होप कि आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि 30 प्रोजेक्ट करने के बाद आप उस लेवल पे आप आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो इनकार्ट का मैनुअल दिया गया है आपको, उसमें आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि
बजर को किससे कनेक्ट करना है, फिर इको को किससे कनेक्ट करना है, इको को पिन नंबर 6 से, ट्रिगर को पिन नंबर 7 से, एक बार फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ। तो आप इस पार्ट का स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कोड है हमारा इसको टाइप कर लेंगे इस अपने IDE में और फिर उसको समझेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने वेरीफाई कर लिया और किसी तरह का कोई एरर नहीं है। आप USB को कनेक्ट कर लीजिए, मैं भी USB को कनेक्ट कर लेता हूँ। USB को कनेक्ट करने के बाद टूल्स में जाकर बोर्ड और पोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड और पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद कोड को अपलोड करिए। अब चूंकि ये डिस्टेंस सेंसर है तो इसका आउटपुट कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कोड अब अपलोड हो चुका है और कोड अपलोड होने के बाद आप सीरियल मॉनिटर ओपन कर लीजिए और जैसे ही ये आउट ऑफ रेंज आपको दिख रहा होगा, मैं आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो इसमें कोड में क्या होगा कि जैसे ही डिस्टेंस जो है 30 के नीचे आएगा, 30 सेंटीमीटर के नीचे आएगा, वो कोर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट LEDs को लिट करना स्टार्ट करेगा। तो हम आउट ऑफ रेंज से धीरे धीरे देखिए, आप येलो LED अब टर्न ऑन हुआ है और बजर भी मेरा प्ले हो रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 28 सेंटीमीटर आ रहा है। आई होप कि आपको ये आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्टेंस को कम करते हैं। 25 के बाद नीचे आने से येलो LED एक और जल जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुअली और नीचे आएंगे तो डिस्टेंस को कम करें। 20 से नीचे आने के बाद एक ग्रीन LED जला, फिर हम 15 से जैसे ही नीचे जाएंगे एक और LED जलेगा। आप देख सकते हैं दूसरा ग्रीन LED टर्न ऑन हो गया। उसके बाद जैसे ही जैसे 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 हम नज़दीक जा रहे हैं एक एक LED और टर्न होते चला जाएगा। ये एक पहला रेड LED टर्न ऑन हुआ है और उसके बाद जब 5 के नीचे जाएंगे तो ये सारा LEDs टर्न ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब सारा LED टर्न ऑन हो गया है। हाँ, तो आपने देखा कि आई होप कि आपको सुनाई दिया होगा इस साउंड में। अगर नहीं सुनाई दिया तो मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि जो आपने अभी आउटपुट देखा वो एक्चुअली क्या था कि जैसे ही मैं 30 से नीचे डिस्टेंस को ले जा रहा था तो 30 से नीचे डिस्टेंस को ले जाने पर सबसे पहले ये येलो LED टर्न ऑन होता है। फिर 25 से नीचे डिस्टेंस को ले जाने पर ये दूसरा येलो LED टर्न हुआ। ऐसे ऐसे करके जब 20 से नीचे गया, जब 15 से नीचे गया, जब 10 से नीचे गया, जब 5 से नीचे डिस्टेंस गया तो वो डिफरेंट डिफरेंट LEDs टर्न ऑन होता गया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा जो आउटपुट है वो थोड़ा डिफरेंट आया। हो सकता है कि आप LEDs को डिफरेंटली अरेंज करें तो आपका आउटपुट डिफरेंट है। तो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, कौन सा LED जल रहा है कौन सा LED नहीं जल रहा है, जो लॉजिक है हमारा वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मेन जो है मैटर करता है। आपको 30 परचेस करने के बाद आप सेम LED जल रहा है कि नहीं जल रहा है ये जानना जरूरी नहीं है। तो ये था हमारा 30th प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको आउटपुट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी कोड को डिस्कस कर लेते हैं। कोड को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको आउटपुट जो है हमारा वो आप फिर से अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट करके देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा कोड। पहले हमने कुछ कॉन्स्टेंट डिफाइंस किए हैं, मैक्रोज डिफाइन यूजिंग हैश डिफाइन मैक्रो। तो हैश डिफाइन मैक्रो को यूज़ करके हम लोग सबसे पहले तो ट्रिक पिन को, ट्रिक पिन, इको पिन, फिर LED, ये जो LED है ये LED, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, ये मेरा टर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट LEDs का। तो सबसे पहले ये मेरे लिए जो LED है वो पिन येलो पिन है, वो 13 से कनेक्टेड है। पहला पहला येलो LED मेरा वो LED है मेरा, LED 1 मतलब कहिए या फिर LED, उसको सिर्फ LED कहिए। LED 2 मेरा दूसरा येलो LED है, LED 3 मेरा तीसरा, सॉरी पहला ग्रीन LED है, LED 4 मेरा दूसरा ग्रीन LED है, और LED 5 सिमिलरली पहला रेड LED है, और LED 6 मेरा दूसरा रेड LED है। उसके बाद हम बजर का भी पिन नंबर डिफाइन करते हैं जो कि 3 से कनेक्टेड है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, एक हमने कांस्टेंट साउंड मतलब ग्लोबल कांस्टेंट डिसाइड कर दिया, साउंड 250। 250 क्या है, ये एक्चुअली हम लोग फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर रहे हैं कि जिसपे हमारा ये पीजो साउंडर बज करेगा। उसके बाद आते हैं हम सेटअप फंक्शन में। सीरियल मॉनिटर का हमने यूज़ किया था, तो सीरियल मॉनिटर का यूज़ करने से सबसे पहला काम क्या होता है सीरियल मॉनिटर का यूज़ करने में, कि सीरियल मॉनिटर को सेट किया जाता है, उसका जो बॉड रेट होता है वो सेट किया जाता है इस बेगिन फंक्शन का।
बिगिन फंक्शन का यूज़ करके, तो वो एक सीरियल क्लास का ऑब्जेक्ट है इसलिए, सॉरी सीरियल क्लास का मेथड है इसलिए सीरियल डॉट बिगिन यूज़ करते हैं। फिर हम पिन मोड्स चेंज कर रहे हैं सारे एलईडीज का, ट्रिक पिन का आउटपुट में करना रहता है, आप देख सकते हैं ट्रिक पिन का आउटपुट में होता है और इको पिन का इनपुट में होता है। अगर ये मैंने आपको बताया था अल्ट्रासोनिक का जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, प्रोजेक्ट नंबर 28 में मैंने आपको ये बता दिया था, फिर भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम पिन मोड फंक्शन का यूज़ करके जितने भी सारे एलईडीज हैं, 6 एलईडीज के मोड को हम आउटपुट मोड कर देते हैं, बजर के भी बजर को भी हम लोग आउटपुट मोड में कर रहे हैं, तो सेटअप फंक्शन में हमारा इतना काम हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं लूप फंक्शन में, तो लूप फंक्शन में हम आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम क्या करेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके हम वो डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस मेजर वाला करने वाला पार्ट है वो इतना है। सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं लॉन्ग डेटा टाइप का, ड्यूरेशन और डिस्टेंस। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में मैंने जैसे आपको बताया था प्रोजेक्ट नंबर 28 में भी या प्रोजेक्ट नंबर 29 में भी कि ये एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, मतलब एक सिग्नल जो कि पल्स का फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, साउंड पल्स, और ये जैसे ही ऑब्स्टिकल से टकराता है ये रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर से रिसीव होता है। तो जो दो ओपनिंग्स होते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के, उसमें एक रिसीवर होता है एक ट्रांसमीटर होता है। तो उसका हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा सिग्नल ट्रांसमिट होके और वापस से रिसीव होने में, और फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करके हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और स्पीड जो हम लेते हैं वो 341 मीटर पर सेकेंड लेते हैं साउंड का। तो ये जो पार्ट है ये हर आपने जितने भी अल्ट्रासोनिक सेंसर के कोड यूज़ किए थे डिस्टेंस मेजर के लिए ये पार्ट आपने देखा ही होगा। ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सेम ही है, आप अगर इसको चेक कर लीजिएगा आप, ये फार्मूला मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर रहे हैं हम, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। तो ये बिल्कुल सेम ही है, सब कुछ सेम है, इसमें बस डिस्टेंस मेजर हुआ है। जो मेन लॉजिक हम कर रहे थे कि अलार्म सिस्टम कैसे अलार्म होगा जब हम 30 से नीचे आएंगे, तो सबसे पहला लॉजिक होता है कि जैसे ही डिस्टेंस, आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही डिस्टेंस 30 से नीचे, इफ़ डिस्टेंस इज लेस देन इज इक्वल टू 30, जैसे ही डिस्टेंस 30 से नीचे आता है मेरा पहला एलईडी लेड हाई में चला जाता है, उसका मतलब डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके हम उसको स्टेट को चेंज कर देते हैं, टर्न ऑन कर देते हैं। तो मेरा पहला एलईडी कौन सा था, अगर आप प्रोजेक्ट के इस वीडियो को बैक करके देखेंगे तो मेरा पहला एलईडी जला था येलो एलईडी, तो यहाँ पे येलो एलईडी टर्न हो जाएगा, साउंड मेरा 250 रहेगा साउंड का फ्रिक्वेंसी जो है। एल्स अगर ये मतलब कंडीशन ट्रू नहीं है तो डिजिटल राइट लेड जो है हमारा मतलब येलो एलईडी लो हो जाएगा, मतलब अगर डिस्टेंस 30 से बड़ा हो गया तो। तो फिर दूसरा कंडीशन मेरा था कि अगर 25 से नीचे हो तो 25 से नीचे हो तो मेरा येलो एलईडी तो एक पहले से चल रहा है, दूसरा येलो एलईडी को हम हाई कर देंगे और साउंड को हम 10 इंक्रीज कर देंगे, 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट करने से एल्स अगर 25 से बड़ा है और 30 से छोटा है, 25 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो फिर ये एल्स कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाई करता है। तो डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके हम यह दूसरा जो येलो एलईडी है उसको लो कर देंगे, लेकिन मेरा बजर चलता रहेगा भैया, बजर को हम लोग लो नहीं कर रहे हैं कहीं पे। उसके बाद डिस्टेंस जो है अगर 20 से नीचे होता है, इफ़ डिस्टेंस इज लेस देन 20 तो हम लोग लेड 3 जो कि मेरा पहला ग्रीन एलईडी था उसको हाई कर देंगे, उसका जो स्टेट है उसको हाई करेंगे और साउंड को 10 इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर वो लेस देन ग्रेटर देन 20 है तो ग्रेटर देन 20 है और लेस देन 25 भी है तो काम चलेगा, लेकिन ग्रेटर देन 20 है तो वो काम होता रहेगा वैसे। तो डिजिटल राइट एलईडी 3 को लो कर देंगे। सिमिलरली हम ऐसे करते जा रहे हैं 5 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 में क्या होता है कि डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लेड 6 को हाई कर रहे हैं, ये हमारा आखिरी एलईडी होता है, और साउंड का फ्रीक्वेंसी को 300 हर्ट्ज कर दे रहे हैं। एल्स डिजिटल राइट लेड 6 को लो कर दे रहे हैं हम लोग डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके। अब यहाँ पे जो फाइनल कंडीशन जो हम लोग आउट ऑफ रेंज प्रिंट होता था, इफ़ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 30 या लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 तो कभी वो रेडी नहीं करता है। अगर ग्रेटर देन 30 हो गया, ग्रेटर देन 30 हुआ तो हमारा सीरियल प्रिंट सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा था, प्रिंट एल एन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। प्रिंट एल एन फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि हमेशा जो इसके पैंथिस में दिया जाता है वो नेक्स्ट
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आउट ऑफ रेंज प्रिंट हो जाएगा। और बजर का साउंड नो टोन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग बजर को टर्न टर्न ऑफ कर देंगे। तो आपको याद होगा, अगर आपने बजर का प्रोजेक्ट्स देखा होगा तो यहाँ पे नो टोन का काम होता है बजर को ऑफ कर देना। उसके बाद एल्स, जो लास्ट एल्स है मेरा, एल्स सीरियल प्रिंट डिस्टेंस, मतलब कि मेरा जो डिस्टेंस है वो 30 से कम है। यहाँ 30 से कम में आप देख रहे होंगे डिस्टेंस हमारा प्रिंट होता था, और 30 से जैसे ही ऊपर गया वो आउट ऑफ रेंज हो जाता था। तो वहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर में हम लोग करते हैं, डिस्टेंस में यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमको एज इट इज़ प्रिंट करना रहता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को दिया है, और लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो वो एज इट इज़ डाल देते हैं। फिर टोन कर देते हैं बजर, बजर मतलब कि मेरा जो बजर डिजिटल पिन है, मतलब जिसमें हमारा पीजो साउंडर डिजिटल पिन कनेक्टेड है वो जो कि 3 है, तो वो बजर वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो बजर को कॉमा साउंड, साउंड हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे साउंड आएगा तो उस फ्रीक्वेंसी पे साउंड को आप ये टोन सेट कर देते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे अलार्म जो हमारा पीजो साउंडर है वो साउंड जनरेट करेगा। और फिर देखते हैं डिले हम लोग 500 मिली सेकेंड्स का, जिससे क्या होता है कि लूप, ये हमारा सारा कोड लूप फंक्शन के अंदर है, तो लूप जो है फाइव एक एक लूप से दूसरे लूप में, मतलब एक एक एग्जीक्यूशन से दूसरे एजुकेशन एग्जीक्यूशन में उसी फंक्शन का जाने में थोड़ा सा डीले रहते हैं, जैसे सब कुछ अच्छे से और प्रॉपरली काम करता रहे। तो बेसिकली क्या होता है कि अब देखिए, जैसे मैंने जो आपको आउटपुट दिखाया था वो 30 से मैंने धीरे धीरे घटाना स्टार्ट कर दिया, वही हमारा यहाँ पे लॉजिक था। अब क्या होगा अगर हम जो हमारा आउटपुट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा आउटपुट है उसको अगर डायरेक्टली 5 गए, मतलब आप देखिए कि अभी आउट ऑफ रेंज है। अब अगर मैं डायरेक्टली 5 पे जाके रख देता हूँ, देखिए 5 से नीचे 3 सेंटीमीटर है, सारे LEDs एक साथ जले गए, जितने भी आपने अभी देखा कि जैसे ही मैंने 5 से नीचे रखा, मतलब ये जो हमारे इफ कंडीशंस थे, जो अगर 5 से नीचे हम रखते हैं तो वो जो डिस्टेंस है, मतलब अगर 5 से नीचे अगर हम ये यहाँ पे इस कंडीशन पे बात करते हैं, तो 5 से कम जो डिस्टेंस है वो 30 से भी कम है, 20 से भी कम है, 15 से भी कम है, 25 से भी कम है, तो वो सारे कंडीशंस ट्रू हो जाते हैं और एक साथ सारे LEDs टर्न हो जाते हैं, टर्न ऑन हो जाते हैं, और जो हमारा ये है हमारा जो साउंड का वैल्यू है वो 300 होगा उसमें, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा, जो सबसे लास्ट, मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में जो सबसे लास्ट में आएगा वैल्यू वो यहाँ पे सॉरी जैसे जैसे एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन तो यहाँ से आते रहेगा ना, कंट्रोल आपका जो है वो यहाँ से आते रहेगा, तो सबसे लास्ट एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट कंट्रोल पे यहाँ पे साउंड का वैल्यू चेंज होगा और साउंड जो है 300 हो जाएगा। तो ये था हमारा 30th प्रोजेक्ट। इसमें अगर आपको यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स भी जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर इफ कंडीशन में हमने सिर्फ 10 हर्ज से डिफरेंट किया है, हर्ज को जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट किए हैं साउंड में वो उसका डिफरेंस मात्र 10 हर्ज का है। आप एक काम करिए कि स्टार्ट करिए आप 250 से, और हर डिस्टेंस का जो हर कंडीशन ट्रू होने पे आप उसको 250 और इंक्रीज कर दीजिए। उससे करने पे क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड जनरेट होगा, तो साउंड्स भी डिफरेंट जनरेट होगा और धीरे धीरे हमारा जो है LEDs भी डिफरेंट डिफरेंट LEDs भी टर्न ऑन होता जाएगा। इससे डबल अलार्म सिस्टम कह सकते हैं कि एक LED सिग्नल सिस्टम हो गया और जो हमारा साउंडर है वो पीजो साउंडर है वो अलार्म सिस्टम हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा 30th प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और हम आगे भी आते रहेंगे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।